दोस्तों, अगर आप भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट टेम्पररी तौर पर या फिर परमानेंटली आप उसे डिलीट या फिर डिसेबल करना चाहते हो, या फिर टेम्पररी तौर पर आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो, आपका एग्जाम चल रहा है, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि भाई कुछ देर के लिए मैं इंस्टाग्राम यूज ना करूँ कुछ दिनों तक, तो उसे आप किस तरीके से डिलीट कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो यहाँ पर इस आईडी का आप यूजर नेम देख सकते हो, k.kumari321। तो इसे हम आज डिसेबल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि भाई ये डिलीट या फिर डिसेबल होता है या फिर नहीं होता, क्योंकि अपडेट हो चुका है इंस्टाग्राम में सारे स्टेप्स, तो पुराना जो स्टेप था वो अब काम नहीं कर रहा है। तो अब नए तरीके से अपने अकाउंट को आप डिसेबल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे थ्री लाइनिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करोगे सबसे ऊपर में आपको मिलेगा अकाउंट सेंटर का ऑप्शन देखने को, तो आपको इस पर टैप कर देना है। बहुत सिंपल है दोस्तों, जैसे ही आप इस पर टैप करते हो ना, तो टैप करने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली इसे टैप करना है, उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल्स का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स का, तो आपको ये इस पर ही टैप करना है, या फिर यूँ कहें कि इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट इन्फो देखने को मिलेगा, बर्थडे मिलेगा, और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, उसके बाद दो ऑप्शन आपको और देखने को मिल जाते हैं, पहला ऑप्शन है मेमोरलाइजेशन एंड दूसरा ऑप्शन है डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन। तो हमें अपना अकाउंट डिलीट करना है, तो सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ फेसबुक लिंक होगा तो वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, या फिर अगर आपने कोई दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी यहाँ पे लिंक करके रखा होगा तो वो भी यहाँ पर दिखेगा। तो आपको वो वाला इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जिसे आपको डिलीट करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन फिर से देखने को मिलेंगे, डीएक्टिवेट अकाउंट एंड डिलीट अकाउंट। इन दोनों में डिफरेंस ये है भाई, जो डीएक्टिवेट होता है ना वो एक टेम्प्रोरी तौर पर होता है, और डिलीट वाला जो ऑप्शन होता है वो परमानेंटली होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या ना टेम्प्रोरी तौर पर डिलीट करना चाहते हैं, तो वो डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, बट वो समझते हैं कि उन्होंने कुछ दिनों के लिए डीएक्टिवेट किया है। तो आपको अगर कुछ दिनों के लिए डीएक्टिवेट करना है तो डीएक्टिवेट, अदरवाइज डिलीटेड, उसके बाद कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी एक रीज़न, टू मेनी एड्स, प्राइवेसी कंसर्न, कुछ भी आप ले सकते हो, समथिंग एल्स वगैरह कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे, दोबारा से यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं करना हो, आपको सीधा कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे, उसके बाद आपके अकाउंट का, इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा, तो पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। अगर आपको पासवर्ड याद ना हो तो यहाँ पर आपको एक फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो सिंपली आपने यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और क्लिक कर अपने उस अकाउंट का पासवर्ड रीसेट कर लेना है। जैसे यहाँ पर देख लो, फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके ईमेल पर या फिर मोबाइल नंबर पर एक लिंक शेयर कर दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, ईमेल पर लिंक गया है इनका, और वहाँ पर उससे रीसेट कर अपने इस अकाउंट को वो बेहद आसान से डिलीट या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो बेहद आसान है दोस्तों, अगर आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट या फिर डिलीट करना है, तो इस नए प्रोसेस की मदद से आप बेहद आसानी से डिलीट या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए किसी भी तरीके का, इंस्टाग्राम अकाउंट से रिलेटेड हो या फिर फेसबुक से रिलेटेड, तो आप मुझसे कॉल मी फॉर ऐप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो।